और बात करते हैं चंदन चोरी की। जी हाँ, नीमच के जंगलों से चंदन की लकड़ियां चुराई जा रही हैं और लगातार लकड़ियों को चुराकर चंदन बेचा जा रहा है। इस मामले में वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है, जिनमें दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं 230 किलो चंदन की लकड़ी बरामद की गई है। नीमच जिले के जंगलों में चंदन चोर सक्रिय हो गए हैं। जंगलों से चंदन की लकड़ी चुराने का सिलसिला पिछले कई दिनों से हो रहा था। इस बात का खुलासा उस समय हुआ जब वन विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर चंदन चोरों को पकड़ा और करीब 230 किलो चंदन की लकड़ी बरामद की गई। वन विभाग के उपखंड अधिकारी आर आर परमार ने बताया कि चंदन चोरों की सक्रियता के संबंध में पता चला तो बमोरी के जंगल में जाकर दबिश दी गई। इस दौरान दो लोग चंदन की लकड़ी चुराते हुए मिले। उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो पता चला कि बड़ी मात्रा में मंदसौर जिले में चंदन की लकड़ी संग्रहित की गई है। मंदसौर पहुंचकर करीब 230 किलो चंदन की लकड़ी बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 35 से 40 लाख रुपए है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चंदन चोरों की गिरफ्तारी के बाद बड़ा सवाल यह उठ गया कि अब नीमच जिले में भी चंदन चोर सक्रिय हो गए हैं। अगर चंदन की लकड़ी चुराने की वारदात लगातार जारी रही तो नीमच जिले में चंदन की लकड़ी मिलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में वन विभाग अब सक्रियता से काम कर रहा है और चंदन चोरी करने वाले गिरोह का पता लगा रहा है, साथ ही इन वारदातों को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। विगत 2-3 माह से चंदन कटाई की शिकायतें आ रही थी, तो हमने हमारे मुखबिर को लगा रखा था। कल मुखबिर से सूचना मिली कि वन क्षेत्र में कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं, प्रवेश किए हैं। स्टाफ मौके पर गया तो वहाँ से वो प्लान कर गए, लेकिन पुनः सूचना मिली कि वह बमोरी गाँव में कटाई कर रहे हैं, तो जाके उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि इनके द्वारा चंदन कटाई कर मंदसौर में संग्रहित किया जाता है। अभी आज जो कितने किलो चंदन है अभी जो कल की उनकी निशानदेही पर वनमंडल मंदसौर से समन्वय कर आज दिवस वनमंडल नीमच का स्टाफ गया और उन्होंने दबिश दी, जिसमें लगभग 270 किलो चंदन प्राप्त हुआ है। कितनी इसकी बाजार कीमत है सर? क्या इसकी बाजार कीमत जो वर्तमान जो मार्केट से मिल पा रहे हैं, दर मिल रही है उसके अनुसार 35 से 40 लाख का मार्केट है। सर, ये आगे कहाँ सप्लाई करने वाले, तो कुछ ऐसा सामने आया कि क्या? अभी इतना तो नहीं मिल पाया है, एक पूछताछ चल रही है, उसमें निश्चित है कि हमें इसका जो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा वो मुंबई तक का मिल सकता है। सर, इसमें कितने आरोपी हैं, कहाँ के आरोपी बताएगा? अभी इसमें दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और जहाँ से आज ये चंदन जब्त किया गया है भूरा, उसे भी इसमें आरोपी बनाया जा रहा है।